सोचो, एक ऐसी जगह जहां आप किसी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, यही है स्टॉक मार्केट। यहां पर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हिस्सेदार बन सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी हो या फिर कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आप उनके ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़े ऑक्शन जैसा है। लोग इन हिस्सों को खरीदते और बेचते हैं, जिन्हें स्टॉक्स कहते हैं। जैसे किसी नीलामी में लोग बोली लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग अपने पसंदीदा स्टॉक्स के लिए बोली लगाते हैं। ये एक डायनामिक और तेज तर्रार माहौल है, जहाँ हर पल कुछ नया होता है। जब ज्यादा लोग इसे खरीदना चाहते हैं, तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। ये एक सिंपल डिमांड और सप्लाई का खेल है। जितनी ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा कीमत। और जब किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबर आती है, तो लोग उसके स्टॉक्स खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब ज्यादा लोग इसे बेचना चाहते हैं, तो ये कम हो जाती है। सिंपल राइट? लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। कई बार बाजार में अफवाहें, आर्थिक रिपोर्ट्स और ग्लोबल इवेंट्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हर समय सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन आखिर लोग खरीदना या बेचना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग नुकसान से बचने के लिए बेचते हैं। इसके अलावा कुछ लोग लंबी अवधि के निवेश के लिए खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। हर मिनट, हर सेकंड स्टॉक की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं? यही हम जानेंगे। बाजार में हर पल कुछ नया हो रहा होता है। नई जानकारी, नई अफवाहें और नई उम्मीदें कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट एक बहुत ही डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल जगह है। समझदारी से इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टॉक की कीमतें कैसे बदलती हैं। इसके लिए आपको बाजार की बारीकियों को समझना होगा, और इसके लिए आपको समय और धैर्य दोनों की जरूरत होगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक की कीमतें मुंबई के मौसम की तरह हैं, अनप्रिडिक्टेबल। कभी धूप, कभी बारिश और कभी तूफान। लेकिन जिस तरह मॉनसून हवाओं के रुख से प्रभावित होता है, उसी तरह स्टॉक प्राइसेस भी कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। ये फैक्टर्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कंपनी परफॉर्मेंस और ग्लोबल इवेंट्स हो सकते हैं। इसे एक टग ऑफ वॉर की तरह समझो। एक तरफ बायर्स हैं, जो कीमत को ऊपर खींच रहे हैं। ये बायर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरी तरफ सेलर्स हैं, जो इसे नीचे खींच रहे हैं। ये सेलर्स भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स या लार्ज कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं। कीमत किस तरफ जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका पलड़ा भारी है। अगर बायर्स का पलड़ा भारी है, तो कीमतें बढ़ेंगी। स्ट्रॉन्ग बायर्स, तो कीमत ऊपर जाएगी। स्ट्रॉन्ग सेलर्स, तो कीमत नीचे जाएगी। आइए कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, जो बायर्स और सेलर्स को और जोर से खींचते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित करते हैं। कंपनी अर्निंग्स रिपोर्ट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और मैनेजमेंट चेंजेस भी स्टॉक प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ग्लोबल इवेंट्स जैसे ट्रेड डील्स, पॉलिटिकल चेंजेस और नेचुरल डिजास्टर्स भी स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। इसलिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। इससे आप मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित रख पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी की परफॉर्मेंस को कई अलग अलग तरीकों से मापा जा सकता है। इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स डेटा और कस्टमर फीडबैक शामिल है। क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रमुख संकेतक है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है या नहीं। अगर कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है, तो यह इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। क्या उसकी सेल्स बढ़ रही है? सेल्स ग्रोथ यह दर्शाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। यह एक अच्छा संकेत है कि कंपनी मार्केट में अपनी जगह बना रही है। क्या लोगों को उसके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव फीडबैक यह दर्शाते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हाई क्वालिटी के हैं। यह ब्रांड लॉयल्टी को भी बढ़ाता है। अच्छी खबरें बायर्स के लिए मैग्नेट का काम करती हैं। पॉजिटिव न्यूज जैसे कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मार्केट एक्सपेंशन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं। जब उन्हें लगता है कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो वे उसका हिस्सा खरीदना चाहते हैं।
इन्वेस्टर्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर स्टॉक्स खरीदते हैं, जिससे स्टॉक प्राइसेस बढ़ती हैं। वहीं दूसरी ओर बुरी खबरें इन्वेस्टर्स को भागने पर मजबूर कर सकती हैं। नेगेटिव न्यूज जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस, लीगल इश्यूज या मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स को डराते हैं। अगर कोई कंपनी निराशाजनक कमाई की घोषणा करती है या किसी स्कैंडल का सामना करती है तो अक्सर सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं। ये इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को हिला देता है, इससे स्टॉक की कीमत गिर सकती है। स्टॉक प्राइसेस में गिरावट से कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, जिससे और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे बढ़ता हुआ समुद्र सभी नावों को ऊपर उठाता है, वैसे ही एक मजबूत इकोनॉमी पूरे स्टॉक मार्केट को बूस्ट कर सकती है। जब लोगों को फ्यूचर के बारे में कॉन्फिडेंस होता है तो वे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक आंधी मार्केट को हिला सकती है। हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को नर्वस कर सकती है। हो सकता है कि वे अपने स्टॉक्स बेच दें, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। ये एक रोलर कोस्टर राइड है। सेक्शन 5, द ड्रेडेड एस वर्ड, सेंटिमेंट। सेंटिमेंट ये मार्केट का इमोशनल साइड है। कभी कभी इन्वेस्टर्स सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं बल्कि डर और लालच पर भी रिएक्ट करते हैं। अगर हर कोई किसी नए स्टॉक के बारे में बात कर रहा है तो दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसे मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं। ये इरेशनल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। डर की अचानक लहर सेल ऑफ को ट्रिगर कर सकती है, भले ही इसका कोई ठोस कारण न हो। इसलिए जरूरी है कि हम शांत रहें और हाइप में न फंसें। सेक्शन 6, द न्यूज साइकिल एंड इट्स इम्पैक्ट। न्यूज हेडलाइंस मार्केट में हलचल मचा सकते हैं। किसी कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज रिपोर्ट उसके स्टॉक को आसमान पर पहुंचा सकती है, लेकिन नेगेटिव न्यूज जैसे कि ऑयल स्पिल या प्रोडक्ट रिकॉल इसे धराशायी कर सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि सभी न्यूज एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ न्यूज शॉर्ट टर्म नॉइज होती हैं, जबकि कुछ न्यूज का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है। बात सिग्नल को नॉइज से अलग करने की है। सेक्शन 7, द बिगर पिक्चर इंडस्ट्री ट्रेंड्स। कभी कभी पूरी इंडस्ट्रीज ग्रोथ या डिक्लाइन के दौर से गुजरती है। स्मार्टफोन्स के बढ़ते हुए चलन के बारे में सोचो। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज जिन्होंने इस ट्रेंड को अपनाया, उनके स्टॉक की कीमतें आसमान छू गईं। वहीं दूसरी ओर नोकिया जैसी कंपनीज जो अडैप्ट नहीं कर पाईं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर ध्यान देने से आपको प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने में मदद मिल सकती है। ये जंगल देखने जैसा है, न कि सिर्फ पेड़ देखने जैसा। सेक्शन 8, रैपिंग इट अप। तो लीजिए स्टॉक प्राइसेस की दिलचस्प दुनिया की एक झलक। याद रखें, स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो कई फैक्टर्स से प्रभावित होता है। इन फैक्टर्स को समझने से आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है। अपनी रिसर्च करें, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें और समझदारी से इन्वेस्ट करें।